बहन की ससुराल से आए युवक ने ग्वालियर में एक युवती के साथ शादी का नाशा देकर दुष्कर्म किया है। इसके साथ ही पीड़ित युवती के असली फोटो वीडियो तैयार कर उसे ब्लैकमेल भी किया गया। परेशान युवती ने आरोपी की शिकायत मुरार थाने में की है। इस आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। एसपी क्राइम राजेश रंडोतिया ने बताया कि कोलेका मंदिर थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़ित युवती ने पुलिस को जानकारी दी थी कि उसकी बहन की ससुराल के रहने वाले एक युवक मोहित शर्मा से उसकी नज़दीकी बढ़ी तो आरोपी ने पीड़िता को शादी के झांसे में लेकर उसे मुरार इलाके में रामा उत्सव होटल में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान आरोपी ने पीड़ित युवती के अश्लील फोटो वीडियो भी बना लिए और धमकी दी कि अगर किसी को जानकारी देगी तो फोटो वीडियो वायरल कर देगा। आरोपी जब बार बार पीड़िता को शोषण के लिए प्रसन्न करने लगा तो फिर पीड़िता ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। इस आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है। फरियादिया के द्वारा ये कंप्लेंट ये रिपोर्ट लिखाई गई कि उसके वो 2019 से एक व्यक्ति को जानते हैं जो कि उसकी बहन के ससुराल का रिश्तेदार है और वहाँ पर उसके उससे मित्रता हुई और उसके बाद उसने 2023 में ही एक होटल में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया और उसको बताया गया कि मैं तुम्हें शादी करूँगा। शादी का जहाज़ देकर उसके साथ गलत काम किया। फिर उसके बाद जब उसने दोबारा बुलाया तो उसने मना कर दिया लड़की ने आने से। तो फिर उसने बोला कि मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। जब लड़की ने शादी की बात की तो शादी करने से उसने मना कर दिया। तो इस तरह थाना मुरार में आरोपी के खिलाफ जो कि गोले के मंदिर का रहने वाला है दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं का केस रजिस्टर कर लिया गया है। आरोपी की तलाश जारी है।